हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था फेजेस इन सिस्टम डेवलपमेंट। तो एसडीएलसी के फेजेस पढ़ रहे थे, एसडीएलसी के फेजेस पढ़ते हुए हम डेवलपमेंट फेज में आ गए थे। और डेवलपमेंट फेज में रियल एक्चुअल प्रोग्राम डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, यानी जो कोडिंग और डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम होगा वो इस पर्टिकुलर स्टेज में होगा, ये हमने जाना था। और यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट या प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने अच्छे प्रोग्राम की करेक्टरिस्टिक्स भी जानी थी। अब हम पढ़ेंगे प्रोग्राम मेथड्स और टेक्निक। तो यानी कि जो भी प्रोग्राम होगा, पहले तो हमने ये जाना था कि अच्छे प्रोग्राम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होगी, वो उसमें एक्यूरेसी होगी, रिलायबिलिटी होगी, रोबस्टनेस होगी, एफिशिएंसी होगी, यूजेबिलिटी होगी, रीडेबिलिटी होगी और मेंटेनेबिलिटी होगी। अब हम ये पढ़ेंगे कि टेक्निक्स क्या होंगी, मेथड्स क्या होंगी। सबसे पहले हमें क्या होगा, हमारी स्टडी कहती है कि प्रोग्राम कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और इन प्रोग्राम कोडिंग स्टैंडर्ड्स को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो इन प्रोग्राम कोडिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हमारी स्टडी कहती है कि अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, फ्यूचर मेंटेनेंस की कैपेबिलिटी रखना चाहते हैं, तो प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करने बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्यों एसेंशियल है? प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए एसेंशियल है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग को सिंपल और क्लियर मैनर में क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं प्रोग्रामिंग के और वो वास्ट एक्सपीरियंस के बाद बनाए गए हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ प्रोग्रामिंग के बाद धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं और उन्हीं प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार प्रोग्राम क्रिएट होना चाहिए। उसकी कोडिंग जो लिखी हुई हो वो उन प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड से लिखी होनी चाहिए। तो उसके क्या रीज़न है, क्यों ऐसा है? उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो आपको अपना प्रोग्राम समझ में आएगा कि आपने अपने प्रोग्राम को कहाँ पर क्या किया है। मालूम पड़ा आपने एक प्रोग्राम बना दिया, प्रोग्राम बनाने के बाद आप उस प्रोग्राम को भूल गए और आपने कई प्रोग्राम क्रिएट कर लिए। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक आदमी अपनी हैंडराइटिंग में लिखता है और उसे अपनी हैंडराइटिंग ही समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहला है प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स ये हेल्प करता है कि आप अपने प्रोग्राम को समझने में आपको भी एफर्ट ना लगाना पड़े। दूसरा ये है कि दूसरा आदमी उसे समझ सके ईजिली, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड कोडिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार लिखा गया है तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हर जगह एक होंगे। तो उन स्टैंडर्ड्स में अगर मान लिया सपोज एक प्रोग्रामर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है और बीच में चले जाता है तो दूसरा प्रोग्रामर आ सकता है और उसको ओवरटेक कर सकता है, उसे प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और एक प्रोग्रामर जिसमें 20 लोग काम कर रहे हैं, वो प्रोग्राम के अगर मान लिया सपोज किसी मॉड्यूल में काम कर रहे हैं तो वे एक दूसरे के प्रोग्राम को समझ सकते हैं। तो कोडिंग स्टैंडर्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोग्राम कोड को सिंपल और क्लियर मैनर में रीड करना और अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी हैं। तो प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसमें बेसिकली किस तरीके से क्या लैंग्वेज होगी, क्या होगा प्रोग्राम, किस तरीके से स्टार्ट होगा, किस तरीके से एंड होगा, और सोर्स कोड लेवल डॉक्यूमेंटेशन कैसी होगी, डेटा डिक्लेरेशन की मेथड कैसी होगी, इनपुट आउटपुट टेक्निक्स कैसी होंगी, ये सब कोडिंग स्टैंडर्ड्स में आता है। उसके अलावा हमारी स्टडी कहती है कि प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड एक अच्छे कंट्रोल की तरह भी यूज़ होता है। कंट्रोल की तरह इसलिए यूज़ होता है क्योंकि कम्युनिकेशन हो, टीम्स के बीच में ईजिली कम्युनिकेशन हो सकती है। प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स का कोई यूटिलाइज करते हुए अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी पर आप डिपेंडेंट नहीं है। सारी मेंबर और जितने भी टीम के मेंबर हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये एक अच्छे कंट्रोल के रूप में काम करता है। प्रोग्रामिंग सेटबैक नहीं होता है। प्रोग्रामिंग सेटबैक का मतलब ये है प्रोग्रामिंग टर्नओवर अगर हो रहा हो, यानी कि प्रोग्रामर अगर मान लिया सपोज आपकी कंपनी में प्रोग्रामर छोड़ के जा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट मिनिमम होगा अगर कोडिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ किए।
क्योंकि अगला वाला जो प्रोग्रामर आएगा उसको पता होगा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम है। मालूम पड़ा आपकी कंपनी में, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, विप्रो या इंफोसिस जैसी कंपनी है जहाँ पर 1,000 आदमी काम करते हैं या 10,000 आदमी काम करते हैं, सॉरी। तो 10,000 में से सपोज 100 छोड़ के चले जाते हैं। अब आप 100 चले जा रहे हैं तो रीलाइन करना चाह रहे हैं, मालूम पड़ा अगर अपने बंदों को रीलाइन करना चाह रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में काम कर रहा है तो एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम है उसमें कुछ बंदे आप कहीं भेजना चाहते हैं और कुछ बंदे छोड़ के चले गए। अगर उस प्रोग्राम में 10 आदमी हैं तो 2 आदमी आप चाहे छोड़ के चले गए, उनको तो आप रोक नहीं सकते हैं, और 1 आदमी को कहीं और रीअलाइनमेंट करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, और वहाँ से दूसरे आदमी को आप लेकर इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं। तो अगर कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं है तो ये करने में बहुत मुश्किल होगी। जो नए बंदे ज्वाइन करेंगे और जो दूसरा बंदा आएगा उसको समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, हैंडओवर देने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो कोडिंग स्टैंडर्ड एक प्रोग्राम मॉडिफिकेशन और प्रोग्राम मेंटेनेंस में एफिशिएंसी लाते हैं। मतलब अगर बेसिकली इसको समराइज़ किया जाए तो ये है कि एक कंपनी है, कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत सारे प्रोग्रामर हैं। अगर एक प्रोग्रामर छोड़ के चले जाता है और दूसरा प्रोग्रामर आता है तो अगर मान लीजिए प्रोग्राम काफ़ी हद तक बना हुआ है तो कई बार क्या होता है महीनों महीनों लग जाते हैं प्रोग्राम बनाने में। तो दूसरा अगर स्टैंडर्ड्स यूज़ नहीं किए तो दूसरा आदमी आएगा और कहेगा यार प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, और उसके बाद उसे समझने की कोशिश करेगा। कई बंदे झूठ बोल के अपनी कैपेबिलिटी को ज़्यादा बता के आते हैं, तो वो आएंगे और वो प्रोग्राम को देखेंगे और फिर वो ब्लेम गेम स्टार्ट कर देंगे कि भाई ये प्रोग्रामर जो छोड़ के चला गया वो बहुत बुरा प्रोग्राम बनाया, ये तो सही तरीके से बनाया नहीं, मैं इसे किसी तरह से संभाला, किसी तरीके से समझा। इस तरीके से एक क्लैरिटी नहीं रहेगी, क्लैरिटी ख़त्म होगी। तो प्रोग्राम का आपको कोडिंग स्टैंडर्ड्स का स्टैंडर्डाइज़ करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज़ करते ही प्रोग्राम बनना स्टार्ट होगा, स्टैंडर्ड मेथड से प्रोग्राम बनना स्टार्ट होगा। प्रोग्राम में कोई बाहर आए अंदर आए आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के अनुसार बन रहा है, और उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार बन रहा है तो आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। जो यानी कि प्रोग्राम बना रहा है उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं। वो प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स के अनुसार बन रहा है, उसमें उसके पार्ट्स हैं, आप बोल सकते हो कि ये पोर्शन तैयार हुआ कि नहीं हुआ प्रोग्राम का। तो वो आपको एक ऑब्जेक्टिविटी देता है, आपको ये हेल्प करता है, डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प करता है कि एक आदमी प्रोग्राम डेवलप कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, दूसरा पार्ट डेवलप कर रहा है, तो उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार वो आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार। तो इसमें टीम की एफिशिएंसी बढ़ रही है, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ रही है, मेजरमेंट बढ़ रहा है, मेजरमेंट सही तरीके से हो रहा है। और अगर कोई बंदा छोड़ के चले गया प्रोग्राम को, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोड़ के चले गया, तो टीम को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बंदा आएगा, वो प्रोग्राम को देखेगा, वो स्टैंडर्ड्स के अनुसार प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स दोनों छोड़ने वाले को और नए ज्वाइनी को भी पता होगा प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और उसको फटाफट समझ में आ जाएगा कि भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम किस तरीके से बना हुआ है। अगर उसे कोडिंग स्टैंडर्ड्स पता है और प्रोग्राम कोडिंग स्टैंडर्ड से बना हुआ है तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स एफिशिएंसी बढ़ाता है और प्रोग्राम के मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस में हेल्प करता है। यानी कि प्रोग्राम को मॉडिफाई, अगर प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है फ्यूचर में और उसको मेंटेन करना है तो उसमें भी हेल्प करता है। दूसरा, आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब मॉड्यूलर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली डेवलप हो सके और बाद में वो इंटीग्रेट हो सके दूसरे मॉड्यूल से। आजकल इवन बड़े बड़े ब्रिज इसी तरीके से बनते हैं। आप एक बहुत बड़ा ब्रिज बनता है तो उसके पार्ट्स जो हैं आजकल क्या कर रहे हैं कि हर ब्रिज का पार्ट जो है कहीं और पर बन रहा है, थोड़ी दूर पर बन रहा है, अलग अलग पार्ट्स, और उसके बाद क्या है, क्रेन उठा के ला रही है और रख रही है और उसको जोड़ दिया जा रहा है। तो मॉड्यूलर डेवलपमेंट हेल्पफुल रहता है। अगर प्रोग्राम को आपने 15 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया सपोज, तो 15 मॉड्यूल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। अब आपको पता है कि ये 15 मॉड्यूल्स कहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर मान लिया सपोज 15 में से एक मॉड्यूल्स आगे पीछे हुआ तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसमें ज़्यादा प्रोग्रामर्स लगा सकते हो। अगर मान लिया सपोज एक पर्टिकुलर टाइमिंग है प्रोग्राम की, एक पर्टिकुलर टाइम में डिलीवर करना है तो आप उसे 15 भागों में डिवाइड कर रहे हो मालूम पड़ा, और हर एक मॉड्यूल से, हर एक मॉड्यूल को एक टाइमिंग दी हुई है और कंट्रोल है आपका कि मॉड्यूल कितना बन गया, कहाँ तक पहुँचे, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप
इजीली समझ रहे हो, क्योंकि एपी अगर मान लिया सपोज एक फाइनेंशियल पैकेज बन रहा है, ईआरपी बन रही है, तो उसका एक इन्वेंटरी मॉड्यूल है, उसकी एक पर्टिकुलर लॉजिक है, वो उसी लॉजिक के अनुसार काम करेगी। और कोई गलती होगी तो आपको पता चल जाएगा, इन्वेंटरी के रिलेटेड ही बात हो रही है। एपी एआर मॉड्यूल है तो वो उसी तरीके से, एपी वाला मॉड्यूल है तो उसमें पेबल्स होगा, रिसीवेबल मॉड्यूल है तो वो सेल्स से रिलेटेड होगा, पेबल वाला होगा तो उसमें क्रेडिटर होगा, क्रेडिट से क्रेडिट परचेजेस होंगी। तो आप उसको डिवाइड कर रहे हो और बाद में उसे इंटीग्रेट कर दे रहे हो। तो मॉड्यूलर डेवलपमेंट को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, और हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे ऐसे प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। और सबसे पहला रूल ये है कि हर प्रोग्राम का एक एंट्री और एक एग्जिट होगा। और ये अगर प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम्स हैं, यानी मॉड्यूल्स के अंदर सब मॉड्यूल्स हैं, तो उसके साथ भी ये लागू होगा। इससे क्या होगा, लॉजिकल फ्लो हमारे इजीली समझ में आएगा, प्रोग्रामर को लॉजिकल जो फ्लो है वो इजी कम्युनिकेशन होगा उसका दूसरे प्रोग्रामर को। मतलब अगर बहुत सारे प्रोग्रामर हैं, एक प्रोग्राम देखो ऐसा होता है कि नॉर्मली एक प्रोग्राम एक आदमी नहीं बनाता, एक प्रोग्राम हो सकता है 50 आदमी बना रहे हो, तो वहाँ पर ये डिसाइड करना है कि मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ उसका एक एंट्री है एक एग्जिट है, यानी कि मेरे पास डेटा आ रहा है तो एक पर्टिकुलर तरीके से आ रहा है, प्रोग्राम डेटा को पूरा प्रोसेस कर रहा है और फिर आगे दे दे रहा है। तो यानी कि अगले प्रोग्रामर को पता है कि उसके पास क्या आएगा, तो डेटा फ्लो को मेंटेन करने में ये चीज़ हेल्प करती है। तो हर प्रोग्राम का एक एंट्री होगा, एक एग्जिट होगा, उसका एक मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होगा, और मॉड्यूल्स के अंदर सब मॉड्यूल होंगे तो उन सब मॉड्यूल्स या सब प्रोग्राम का भी एक एंट्री और एक एग्जिट होगा, जिससे कि लॉजिकल फ्लो दो प्रोग्रामर के बीच में लॉजिकल फ्लो जो हो रहा है उसको उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्रोग्राम के तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं, तीन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, SSI, सीक्वेंस, सेलेक्शन और इटरेशन। तो केवल तीन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, सीक्वेंस, सेलेक्शन और इटरेशन। तो क्यों तीन ही बिल्डिंग ब्लॉक क्यों है, क्योंकि जितने कम नंबर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे उतना प्रोग्राम ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा और डेविएशंस उतने ज़्यादा कम होंगे, इंडिविजुअल प्रोग्रामर उसमें उतने कम डेविएशंस डाल सकता है, और जितने कम वो डेविएशंस डाल सकता है उतनी प्रॉब्लम कम होती है। उसके अलावा गो टू सिंटैक्स, एक सिंटैक्स होता है गो टू सिंटैक्स, वो जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में जितना अवॉइडेंस है गो टू सिंटैक्स का उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी जो है ये रिड्यूस करता है रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। असल में क्या है, कभी आपने एक्सेल में देखा फॉर्मूला लगा होता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह लगाया, दूसरी से तीसरी लगाया, तो कई बार सर्कुलर लूप आ जाता है, एक्सेल में तो आपको पता चल जाता है, लेकिन जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें जितना गो टू सिंटैक्स है वो एक वेरिएबल को दूसरी जगह ले जाता है और दूसरे से तीसरी जगह ले जाता है, तो जितनी वेरिएबल जितना लूप क्रिएट कर देता है उतना प्रोग्रामिंग में गलती होने की संभावना ज़्यादा है। उतना ही ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम सर्कुलर लूप में ना चले जाए। अगर मान लिया कोई कई वेरिएबल्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोग्राम सर्कुलर लूप में चला गया, वो प्रोग्राम घूम रहा है, आपका आंसर नहीं दे रहा है, तो वो रोबस्ट प्रोग्रामिंग नहीं हुई, जो रोबस्ट प्रोग्रामिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और प्रोग्राम टॉप टू बॉटम डाउन बेसिकली बनाएगा या बॉटम अप बनेगा, यानी प्रोग्राम की एक सीरीज होगी, एक सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस में प्रोग्राम बनेगा। तो यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है मॉड्यूलर डेवलपमेंट, मॉड्यूलर डेवलपमेंट का मतलब मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं मॉड्यूल्स, और इंडिपेंडेंट डेवलप किए जाते हैं और इंटीग्रेट किए जाते हैं बाद में लास्ट में। तो उसके कुछ रूल्स जो हैं वो हमने पढ़े, वो रूल्स क्या होते हैं कि एक एंट्री एक एग्जिट होगी मॉड्यूल्स की, अगर मॉड्यूल्स के अंदर सब प्रोग्राम्स हैं
प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम्स हैं, तो उनका भी एक एंट्री और एक एग्जिट होगा। इससे क्या होगा कि लॉजिकल फ्लो समझने में आसानी होगी, हर एक प्रोग्रामर को लॉजिकल फ्लो समझने में आसानी होगी। उसके अलावा तीन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन। जितने कम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे उतना इंडिविजुअल प्रोग्रामर उतने कम डेविएशन कर पाएगा, उतना स्टैंडर्डाइज्ड होगा प्रोग्राम। गो टू सिंटेक्स का यूज़ कम होना चाहिए, उससे क्या लूप्स क्रिएट होते हैं। प्रोग्राम आप डेवलप करें सिक्वेंशियल, टॉप डाउन या बॉटम अप होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी स्टडी एक और चीज़ कहती है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़। आजकल ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है उसमें ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि ये प्रोग्राम को बड़ी तेज़ी से डेवलप करती है। इस टेक्निक के काफ़ी एडवांटेजेस हैं। ये एक तो फ्लेक्सिबिलिटी देती है कोडिंग कंपाइलेशन में एक रिमोट कंप्यूटर से, तो जितना रिमोट कंप्यूटर का यूज़ होगा, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कोडिंग कंपाइलेशन में, उतना प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम जल्दी डेवलप होगा। उसके अलावा है कि अगर प्रोग्राम मान लिया सपोज ये फैसिलिटी यूज़ कर रहा है तो पैरेलली डेवलप कर सकता है, मतलब प्रोग्राम का फास्टर डेवलपमेंट होगा, कॉस्ट कम रहेगी, रैपिड रिस्पॉन्स टाइम होगा, प्रोग्रामिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली एक्सपेंड किए जा सकते हैं। यानी कि ये हो सकता है कि मालूम पड़ा, अगर मान लिया सपोज आपका प्रोग्रामर है आज की डेट में वो कहीं जा रहा है, सपोज़ उसे क्लाइंट से मिलने जाना है, वो ट्रेन में जा रहा है या प्लेन में जा रहा है, और वहाँ पर उसको प्रोग्रामिंग का कोई चीज़, कोई एक घंटा एयरपोर्ट में बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, तो उस टाइम पर उसको उसके दिमाग में सोचते सोचते अगर वो खाली बैठा हुआ है, मान लिया सपोज कोई पॉइंट्स आ गए और उसने कॉफ़ी की टेबल में बैठकर उस प्रोग्रामिंग में कुछ चेंज किया और उसके बाद उसका इफ़ेक्ट देखा और फिर वो आगे चला गया, तो उतनी देर में उसका दिमाग सोचेगा और आगे प्रोसेस करेगा, तो मीन्स उसको कुछ टाइम मिल गया, वो मल्टीटास्किंग कर सकेगा। लेकिन कुछ पोटेंशियल वीकनेसेस भी होते हैं इस चीज़ के। अगर मान लिया ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटी है तो मल्टीपल वर्जन्स का कंट्रोल होना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस और अपडेटिंग ऑफ प्रोग्राम नहीं होनी चाहिए। अगर चेंजेस आप अपडेट कर रहे हो तो प्रॉपर अपडेटिंग होनी चाहिए। तो बेसिकली सारी दुनिया ऑनलाइन चल रही है आज की डेट में, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स मैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटी दी जाती है। उससे क्या होता है, आदमी कहीं पर भी मालूम पड़ा 5 दिन उसने काम किया ऑफिस में, सैटरडे संडे वो घर में बैठा हुआ है, अचानक उसके दिमाग में कुछ आया, आधे घंटे या 4 घंटे वो उसमें काम करने लगा, या अचानक कुछ और थॉट आया, फ्राइडे काम करके आया, सैटरडे उसने रेस्ट किया, संडे को अचानक रात को कुछ उसको सोचा, या सैटरडे नाइट उसके दिमाग में कुछ थॉट्स आए प्रोग्रामिंग के बारे में, उसने लैपटॉप निकाला, VPN के थ्रू कम्युनिकेट किया अपने कंपनी से, और उसके बाद प्रोग्राम को डेवलप करना स्टार्ट किया, वो जो आइडियाज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, संडे को फिर रेस्ट किया उसने, और मंडे को जाकर फिर उसके बाद वो अपना काम करने लगा। तो ब्रेन जो है वो उसको क्रिएटिव थॉट लेने के लिए समय लगता है कई बार। वैसे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो उतना ज़्यादा मैसिव क्रिएटिविटी की चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर पहले ही होता है, स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट में हम बन रहे हैं, मॉड्यूल्स है, आपके पास एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है जिसे आपको डेवलप करना है। उसके बारे में कई बार क्या होता है कि आप डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, सॉरी आप उस मॉड्यूल को बनाने के एक्सपर्ट होते हैं, तो आपको उसके बारे में पहले से नॉलेज होती है। लेकिन अगर मान लिया सपोज कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पहली बार बना रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आप कहीं से भी काम करोगे, कहीं पर भी डेवलप कर करोगे, लेकिन उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल्स होने बहुत ज़रूरी है। तो हमारी स्टडी जो है प्रोग्रामिंग मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में कहती है, पहला वो कहती है कि प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड में क्या करना पड़ेगा कि जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुसार काम करना पड़ेगा।
और इन स्टैंडर्ड्स का क्या फ़ायदा है? इन स्टैंडर्ड्स का ये फ़ायदा है कि एफिशिएंसी आती है, अगर कोई टर्नओवर हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मान लिया सब उस प्रोग्राम समझ में क्लियर होता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हो, प्रोग्राम को कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, प्रोग्राम पर्सन डिपेंडेंट नहीं रह जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है अगर कहा जाए तो। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, यानी मॉड्यूलर डेवलपमेंट होना चाहिए, मॉड्यूल्स डेवलप होगा और हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंट होगा, एक एग्जिट या एंट्री होगी जिससे डेटा फ्लो के बारे में दूसरे प्रोग्रामर्स और सबको क्लैरिटी के साथ पता चलेगा। और अगर मान लिया सब मॉड्यूल्स हैं, सब प्रोग्राम्स हैं, तो उनका भी एक एंट्री एग्जिट होगा। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तीन ही होंगे, SSI, सीक्वेंस सिलेक्शन और इटरेशन। इससे क्या है, इंडिविजुअल प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा डेविएशन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, डेविएशंस मिनिमाइज होंगे, गो टू सिंटैक्स का आप कम से कम यूज़ करोगे, और प्रोग्रामिंग टॉप डाउन होगी या बॉटम अप होगी। और इसके बाद ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटी आती है। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटी जो है प्रोग्रामर को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं बेसिकली। तो ये हमारी स्टडी में दिया हुआ है। इसके बाद हमारी स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बोलती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो शुरुआत मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक उसको फिर से समराइज कर लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में होती है, और फिर कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करता है और एग्जीक्यूट करता है। और बाइनरी क्या होती है, जीरो वंस, यानी कि आप हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जनरली, कोबोल, C या C++ जनरली यूज़ करते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, C++, जावा यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो हमेशा के लिए क्रिएट हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट हैं। या फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे फोकस DBase, या डिसीजन सपोर्ट या एक्सपर्ट सिस्टम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सप्रेस है, लिस्प है, प्रोलॉजिक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ चुके हैं कि इवॉल्व हुई, मतलब कई जनरेशन आई उसमें। जो पहली जनरेशन थी वो मशीन लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ बढ़ी। मशीन लैंग्वेज 01 है, कंप्यूटर को 01 समझ में आता है, कंप्यूटर को 01 के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। कंप्यूटर के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, यानी कि अगर मान लिया सपोज आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं और वहाँ पर जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन केवल ये आ रही है कि हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज 1 है, लो वोल्टेज 0 है, दोनों के बीच में एक टाइम डिस्टेंस होता है। या जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है कि अगर डिजिटल लाइन है, अगर एनालॉग लाइन है तो आपके हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आ रही है, अगर डिजिटल लाइन है तो पल्सेस के रूप में आ रही है, पल्स है, पल्स नहीं है, पल्स नहीं है तो 0 हो गया, पल्स है तो है 1 हो गया। तो बेसिकली 01 ही क्यों यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन में और क्यों यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए क्योंकि जब भी कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप ये समझ लीजिए कि एक धुंध भरी रात में अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, अगर आपके पास लाइट है, लाइट ऑन या ऑफ, दूसरी पार्टी को समझ में आ जाएगा कि ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है, लाइट नहीं है ऑफ है, लाइट है ऑन है। आप अगर उसको बाइनरी के अलावा अगर डेसिमल बनाना चाहेंगे, अगर मान लिया लाइट है इतनी, थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, तो अगर लाइट नहीं है उसे 0 मानेंगे, थोड़ी सी लाइट है 1 मानेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा है 2 मानेंगे, थोड़ा सा और लाइट की है तो 3 मानेंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप लाइट को मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर धुंध ज़्यादा हो जाएगी तो कम लाइट दिखाई देने लगेगी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन लाइट है नहीं है ये सबको पता रहता है, कितनी दूरी है वहाँ से नज़र आ जाता है जनरली कि लाइट है नहीं है, बीच में धुंध भी हो तो भी नज़र आ जाता है, वो इजी है। तो
जो कंप्यूटर का कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तार के द्वारा होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है, तो वहाँ पर ये पता करना कि करंट की पल्स आई या नहीं आई, ये बहुत ईजी है। पहले एनालॉग लाइन होती थी, उसमें हायर वोल्टेज होती थी, लोअर वोल्टेज होती थी, तो उसको पता करना ईजी है, लेकिन उतना ईजी नहीं है, क्योंकि हायर वोल्टेज मालूम आई 200 से 220 की वोल्ट आई तो हायर वोल्टेज आई तो 1 मान लिया, और अगर मान लिया 10-12 वोल्ट आ रही है का पल्स आ रहा है तो उसे 0 मान लिया। लेकिन कई बार क्या है, ये पल्सेस मिक्स हो जाती थी, इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन पल्स आई पल्स नहीं आई, पल्स आई कुछ माइक्रोसेकंड के लिए का डिफरेंस, कुछ नैनो सेकंड के डिफरेंस के बाद पल्स फिर चेक किया, पल्स आई कि नहीं आई, फिर नैनो सेकंड के बाद चेक किया, पल्स आई कि नहीं आई। अगर पल्स नहीं आई तो 0 हो गया, पल्स आई तो 1 हो गया। तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जो है मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज से हम हायर लैंग्वेज में पहुंचे। हायर लैंग्वेज क्या है? कोबोल है, सी है। तो इसमें प्रोग्रामर को एक प्रोसीजर्स के अनुसार चलना पड़ता है। इसमें प्रोग्रामर स्पेसिफाई करेगा कि क्या उसे अचीव करना है और क्या वो किस तरह से उसे अचीव करना चाहता है। इसे प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। उसके अलावा, उसके बाद जो पहले तो हमारी जितनी भी लैंग्वेज थी वो प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, बाद में नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आई। जैसे 4th जनरेशन लैंग्वेज जो है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, क्योंकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में आपको ये नहीं बताना पड़ता है कि किस तरीके से आपको सॉल्यूशन चाहिए, क्या आपको चाहिए ये बताना पड़ता है, what you want बताना पड़ता है, how you want नहीं बताना पड़ता है। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो काफ़ी हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं, 4th जनरेशन लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें ये नहीं बताना पड़ता है कि कैसे करना है, बल्कि क्या क्या चाहिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको बताना है, और वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। तो 4GL लैंग्वेज जो है वो माउस क्लिक से चलती हैं। आपको ये बताना पड़ता है क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो आपको ये बताना नहीं पड़ता है उसमें। उसमें एक बेसिक प्रोग्रामिंग पहले से होती है। ये पोर्टेबल होते हैं, हाई यूजर फ्रेंडली सिंटैक्स होते हैं, मतलब इसमें इंग्लिश का स्टेटमेंट जितना करीब इंग्लिश के करीब हो, इंग्लिश के स्टेटमेंट सिंटैक्स जितने इंग्लिश के करीब हो उतने ज्यादा अच्छा है। स्क्रीन पेंटिंग्स या रिपोर्ट जनरेटर यूटिलिटीज जो होती हैं इनमें होती हैं, ये ग्राफिकल आउटपुट्स दे सकते हैं। इनमें पावरफुल क्वेरिंग कैपेबिलिटी होती है। क्वेरिंग कैपेबिलिटी मतलब अगर आप क्वेरी कर रहे हो तो उसका आंसर देने आंसर आता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हैंडल करने में ये उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इसको समराइज़ कर लेते हैं। डेवलपमेंट फेज़ है वो सिस्टम डिज़ाइन फेज़ के बाद आता है। सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में हम ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं वर्किंग मॉडल का, और वो ब्लूप्रिंट एक कोडर को दे दिया जाता है। अब कोडर कोड करेगा, उसके पास अपना कंप्यूटर होता है और वो कोडिंग स्टार्ट करता है। प्रोग्रामर या सिस्टम एनालिस्ट के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो वो कोडिंग करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, डिबगिंग करेंगे, और जितने लीगेसी सिस्टम, बाप दादाओं के सिस्टम, पुराने सिस्टम्स जितने हैं उससे डेटा को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, उसके बाद क्या है कि ट्रेन करेंगे सिलेक्टेड यूज़र को नए सिस्टम्स में। और अगर वेंडर कोई प्रोग्राम सप्लाई कर रहा है तो वो देखेंगे, अगर वेंडर अपग्रेड कर रहा है प्रोग्राम का, या इस जो हमारा प्रोग्राम बन रहा है वो अपग्रेड हो रहा है, तो दोनों प्रोग्राम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सही तरीके से करनी चाहिए कम्युनिकेट फ्यूचर में भी। ये डेवलपमेंट फेज में ध्यान रखा जाता है। और फिर हमने पढ़ा था कि अच्छे प्रोग्राम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले एक्यूरेसी, प्रोग्राम को जो बोला गया है वो उसे करना चाहिए, जो उससे करना है वो तो करना ही चाहिए, जो नहीं करना है वो नहीं करना चाहिए। और सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही हमने पढ़ा था। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, प्रोग्राम चलना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मालूम पड़ा क्रिटिकल टाइम पर प्रोग्राम रुक गया, वेयर टेयर नहीं होनी चाहिए। लंबे समय तक प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
रोबस्ट होना चाहिए प्रोग्राम। रोबस्ट का मतलब यह है कि सारी सिचुएशंस प्रोग्राम हैंडल कर ले, कोई ऐसा ना हो कि प्रोग्राम ऐसा बनाए कि कुछ सिचुएशन एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाए। एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रोसेस, एरर हैंडलिंग प्रोसेस होनी चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए प्रोग्राम। इनपुट ज़्यादा आ जाए तो कोई बात नहीं, इनपुट वॉल्यूम ज़्यादा आ जाए तो कोई बात नहीं। यूजेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो, रीडेबिलिटी होनी चाहिए और मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमने प्रोग्राम मेथड्स और टेक्निक के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि प्रोग्राम, आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स को आपको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्राम कोडिंग स्टैंडर्ड्स को आपने अडॉप्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हर की जो अगर एक प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे लोग हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। अगर कोई छोड़ के चले जाएगा तो भी पता चल जाएगा कि प्रोग्राम क्या कह रहा है। अगर प्रोग्राम पार्टली डेवलप्ड है तो आपको पता चल जाएगा, बाद में मेंटेनेंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर्सन डिपेंडेंट नहीं रहेगा। उसके अलावा प्रोग्राम डेवलपमेंट में स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, मॉड्यूलर डेवलपमेंट होना चाहिए, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, मॉड्यूल्स के बनने चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए मॉड्यूल्स एक दूसरे से, और हर मॉड्यूल का एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट होनी चाहिए, गो टू सिंटैक्स नहीं होनी चाहिए, प्रोग्राम सीक्वेंस में होनी चाहिए, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स 3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिलेक्शन सीक्वेंस और इटरेशन SSI, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी का ध्यान रखें। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थैंक्स।